को नमस्कार और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इस चैनल जिसका नाम है लाली की थाली। और आइए आज मैं आपको एक सिंपल सी डिश सिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है तहरी। तो अब हम एक एक करके पूरे खड़े मसाले डाल देंगे और उसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो अब हमने खलबत्ते में लहसुन अदरक हरी मिर्च और उसका पीसना आसान बनाने के लिए उसमें हम डाल देंगे एक चम्मच नमक, ताकि इससे क्या होगा हमें पीसने में काफ़ी मदद हो पाएगी और ये पेस्ट हमारा काफ़ी फाइन बन जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइन ही बनाना है, आप इसको बस थोड़ा सा दरदरा भी कूट सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है एक कटोरी भीगे हुए चावल, ये है मसालों का मिश्रण, खड़े मसाले और लहसुन अदरक मिर्ची, और ये कटी हुई सब्जी गर्म हो चुका है और हमने डाला इसमें सरसों का तेल। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसमें सरसों का तेल लगाया, आपकी इच्छा अनुसार आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, जो भी तेल आप प्रीफर करें। और इसमें अब मैं एक एक करके सारी सामग्रियाँ डालूंगी। तो ये मैंने डाली पहले प्याज, प्याज डालने के बाद ये मैं थोड़ा सा इसको चला रही हूँ और इसको थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन कर लें, ज़रूरी नहीं है आपको लाल करनी है और उसको एकदम कच्चा भी नहीं करना है, रखना है और आँच आपको धीमी ही रखनी है। और ये धीरे धीरे फ्राई हो रही है, अब हम क्या करेंगे तो चलाते रहेंगे। फिर हमने जो पेस्ट पीसा था खड़े मसालों का, दालचीनी, लौंग, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, काली मिर्च, इलायची और जीरा, ये हम इस प्याज में डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कि अब इसका थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज भी हो गया, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे एक साथ। और याद रहे कि आप इसको बीच में चलाते रहें। अब हम इसमें डालेंगे गाजर, जो कि मैंने लंबी काटी हुई है, आप किसी भी आकार में काट सकते हैं। और इसमें डाल देंगे हम आलू। और एक बात, अगर आपके पास ये सब सब्जियां भी उपलब्ध नहीं हैं तो आप केवल अपनी इच्छा अनुसार, मतलब आपके पास इस लॉकडाउन के दौरान जो भी सब्जियाँ अवेलेबल हैं घर में, और सब्जियाँ नहीं भी हैं केवल आलू प्याज टमाटर, ये तो आपके घर में आपको मिल ही जाएगा हर समय उपलब्ध, तो आप केवल उन तीनों के साथ भी और खड़े मसाले डाल के ऐसा भी बना सकते हैं। अब मेरे पास ये सब सब्जियाँ अवेलेबल थी, गाजर मटर, तो इसीलिए मैं आपको इस सबसे बना के दिखा रही हूँ। इन सबको मिला के अब आप फ्राई करते रहेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इनको भी थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करना है। अब मैंने डाल दिया इसमें टमाटर, और टमाटर डालने के बाद भी इसको चलाते रहेंगे और हम धीमी धीमी आँच पर इसको पकाते रहेंगे। ज़्यादा भी तेज़ करेंगे तो ये सब जल जाएंगी सब्जियाँ, इसलिए आँच ज़्यादा तेज नहीं करनी है। और ये भी धीरे धीरे पक ही रहा है, उसी दौरान हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले यानी थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी भी ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है, अगर आपको प्लेन वाइट ही रखना है तो आप वो भी मत डालिए। और ये टमाटर डालने के बाद भी थोड़ा और फ्राई किया हमने, और उसके बाद डालिए भीगे हुए एक कटोरी चावल, जो कि मैंने 2 घंटे पहले भिगा लिए थे। अब हम अपनी आँच थोड़ी सी तेज कर सकते हैं, और ये हमने चावलों में सब मिला दिया, तो चारों तरफ से मिलाएंगे, कोट करेंगे। अब इसको मिलाते रहेंगे हम लोग ऐसा। और क्योंकि चावल मैंने भिगाए थे तो आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि पानी देख के सोच समझ के डालना है। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपकी पूरी तहरी गीली हो जाएगी, और कम पानी डालेंगे तो आपकी जो चावल रहेंगे वो भी टाइट बन जाएंगे। तो हाँ, अभी हमने इसमें डाल दिया मटर, जो कि मेरे पास फ्रोजन मटर अवेलेबल थी, और नमक। ये दोनों डालने के बाद भी अब हम इसको चलाएंगे, मिलाते रहेंगे। और इसमें थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए अब मैंने डाल दिया 1 चम्मच घी। हाँ, सिम पर ही रखेंगे आज। अगर आप घी डालना है ये भी ऑप्शनल है, क्योंकि ये सब हेल्थ के लिए अच्छा है, डेली हमको 1 चम्मच घी तो खाना ही चाहिए। और ये मैंने डाल दिया पानी। पानी वैसे तो मैं कोई मेज़रमेंट ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं खाना अंदाजे से ही बनाती हूँ, जो मैंने माँ से भी खाया, क्योंकि पुराने लोग तो कोई मेज़रमेंट से खाना बनाते नहीं थे, वो तो अपने अंदाजे से अपने
इंटेंशनली, मतलब जैसा उनको लगता था कितना कम ज़्यादा उस हिसाब से खाना बना दो। मैंने पानी डाल दिया है, बस ये देख लिया कि चावल उसमें भीग जाए, चावल से थोड़ा 1 इंच ऊपर तक पानी आ जाए, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि वो चावल भीगे हुए हैं। और ये मैंने लीड लगा दी। अब केवल हाई फ्लेम पे मुझे एक सीटी लगानी पड़ेगी, और सीटी लगने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी क्या नतीजा, चावल कैसे पके हैं हाई फ्लेम पे। एक बताया था हमें केवल एक विजल ही चाहिए, वो भी हाई फ्लेम पे। आप इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे और मात्र एक सीटी में आपकी तहरी बनके हो जाएगी तैयार। ना ज़्यादा आपको झंझट है, बहुत ही टाइम सेविंग है। सब सब्जियाँ इस पर डालो, झटपट बनाओ और भरपूर पेट खाओ। तहरी बनके तैयार हो गई है। ये मैंने लिड खोली और आप देख सकते हैं कितने ही कलरफुल चावल लग रहे हैं हमारी तहरी। अब देखने में ये इतनी सुंदर है तो सोचिए खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। तो अब इस पर क्या करेंगे, अब हम डाल देंगे इसमें कटी हुई धनिया, बारीक कटी हुई धनिया। धनिया डालने के बाद अब हम इसको चारों तरफ से मिला लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं बीट रूट आपको दिख रही है, गाजर दिख रही है, मटर, ये रंग बिरंगी तहरी। खाइए और इन्जॉय करिए। सर्व करके दिखाती हूँ। ये मैंने प्लेट में चावल निकाल रही है, देखिए कितने ही कलरफुल हैं और ये इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी। मेरी ये डिश पसंद आई होगी तहरी, तो आप मुझे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल लाली की थाली को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।